हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपके अपने चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल और माता रानी का दर्शन करने। तो वही हम लोग तैयारी बना चुके हैं, बस हम निकलने ही वाले हैं। हमने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा कर लेते हैं बातें। और चलिए फ्रेंड्स, आगे तक बने रहिएगा और देखते हैं कहाँ तक मैं शूट कर पाती हूँ अपना ब्लॉगिंग, और आप लोगों से शेयर करूँगी जो भी शूट करूँगी सब कुछ। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मेरी आंखें अब काफ़ी ठीक हो चुकी हैं, देख सकते हैं दोनों आँख बराबर हो गया है, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी फ्रेंड्स, और सूजन हो गया था पूरा आँख में, और इसी आँख में दिक्कत था। अभी भी थोड़ा हल्का सा दागी है यहाँ, और सूजन के बाद आँख में जलन भी हो रहा था। आँख के अंदर कोने पे यहाँ अंदर से लेते हुए बाहर तक झलका हो गया था, तो इसीलिए मैं आप लोगों का वीडियो नहीं देख पा रही थी फ्रेंड्स, तो उसके लिए माफ़ करना। और लेकिन अब मैं कंटिन्यू ब्लॉग अपना डालूँगी, आप लोगों का वीडियो भी देखूंगी। तो थोड़ा परेशानी था फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं नहीं देख पा रही थी, क्योंकि दर्द हो रहा था काफ़ी ज़्यादा आँख में, और आँख की वजह से फ्रेंड्स सर में भी दर्द हो रहा था मेरे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब बाहर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अपना चल रहे हैं, और गाड़ी चल दी है, निकल चुके हैं विंध्याचल के लिए। और यहाँ सनी सौरभ पीछे बैठे हुए हैं, और सासू माँ हैं बगल में मेरे, और मेरी ही फैमिली है बस, और कोई नहीं है। और यहाँ बगल में सृष्टि है, और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, सपोर्ट करिए। और आज से मैं भी कंटिन्यू आप लोगों के साथ बनी रहूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी आँखें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, आँखों की वजह से सर में भी दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैं डेली अपना ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो अब मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी कंटिन्यू। और यहाँ पे देखिए, गाड़ी से बैठकर ही मैं अपना थोड़ा सा बाहर का सीन ले रही हूँ, और हम लोग अब देखिए पहुंचने ही वाले हैं विंध्याचल। और आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स, देखिए हम लोग पहुंच गए विंध्याचल, माता रानी के दरबार के स्थान पे आ चुके हैं, और गाड़ी रुकी है, हम लोग उतर रहे हैं। देखिए सामने माता रानी का मंदिर है, आप लोग भी माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए। अब हम लोग देखिए निकल चुके हैं गंगा जी के घाट पे, पहले जाएंगे वहाँ स्नान वगैरह होगा, उसके बाद से माता रानी के लिए प्रसाद बनाएंगे अपने हाथों से, पूड़ी हलवा और प्रसाद नारियल चुनरी वगैरह लेके, तब माता रानी का दर्शन करेंगे। और हमने एक, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बकरा है, वो भी मैं चढ़वाऊंगी माता रानी को, क्योंकि मेरा मन्नत था बहुत पहले का। और देखिए फ्रेंड्स, अचानक से ही हम लोगों का तैयारी बन गया, और माता रानी का बुलावा आ गया, हम लोग आ गए, नहीं तो कोई तैयारी नहीं था कि जाएंगे ही, पर अचानक से तैयारी हुआ, तो मॉर्निंग में ही उठते हम लोग तैयारी कर लिए, क्योंकि जो हमने बकरा माना हुआ था मिल गया संजोग से, तो ये हुआ कि चलो चल चल के दर्शन कर लेते हैं, उनका प्रसाद उनको चढ़ा देंगे। और देखिए हम लोग आ चुके हैं गंगा घाट पे, और यहाँ हैं सासू माँ, सामने आगे जा रही हैं, पीछे सौरभ है, सृष्टि हैं, और मैं सनी, और सनी के पापा पीछे ही हैं, और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और देखिए गंगा घाट पे आ चुके हैं, अब यहाँ करेंगे हम लोग स्नान, और स्नान करने के बाद तब जाएंगे प्रसाद बनाएंगे माता रानी का। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और आज कई दिनों के बाद अपना ब्लॉगिंग शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि तबीयत ही नहीं ठीक था, इसलिए मैं अपना ब्लॉगिंग कर नहीं पा रही थी, कोई भी ब्लॉग ना तो बना पा रही थी ना तो
कुछ भी कर पा रही थी क्योंकि आँखों में दर्द की वजह से मैं परेशान थी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं हम लोग नहा चुके हैं, मैं हूँ और सासू माँ हैं और बच्चे लोग हैं। तो मैंने कहा नहाने के बाद थोड़ी सी अपना क्लिप शूट कर लेते हैं। यहाँ पे पंडित जी के पास हम लोग चंदन वगैरह लगवा रहे हैं और जल्दी जल्दी में फ्रेंड्स मैंने कुछ भी नहीं किया, बस नहा ली हूँ और ठीक से पिन भी मैंने नहीं लगाया है क्योंकि देख सकते हैं आप पिन मेरा उखड़ा उखड़ा है क्योंकि यहाँ साड़ी वगैरह कपड़े चेंज करने का जगह ठीक नहीं था। तो इसलिए बस इसी तरह से अपना एडजस्ट कर ली हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए पंडित जी सबको लगा दिए हैं चंदन वगैरह और हस्बैंड जी थोड़ा सा अपना क्लिप ले रहे हैं, देखिए टाइम देख रहे हैं। पंडित जी बोल रहे हैं कि टाइम होने ही वाला है, गेट बंद हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिए, दर्शन जाके कर लीजिए क्योंकि अभी यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को प्रसाद भी बनाना था, पूड़ी हलवा। तो यहाँ से निकलेंगे तो तुरंत पहले हम लोग प्रसाद बना। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं पंडित जी के घर पे और मैं प्रसाद भी बना चुकी हूँ और दर्शन भी करके आ गई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं वो क्लिप नहीं ले पाई और क्योंकि लेट हो जाता तो गेट भी बंद हो जाता माता रानी का, और वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा था फ्रेंड्स, इसलिए मैं वहाँ का भी क्लिप नहीं ले पाई थी, वो क्लिप मुझसे छूट गया, उसके लिए आप लोग माफ़ करना। और माता रानी का दूर से ही थोड़ा सा नज़ारा दिखाया है, वहीं से आप लोग हाथ जोड़ लेना फ्रेंड्स। बच्चे लोग प्रसाद खा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ जहाँ हम लोग आके रहते हैं जो पंडा हैं हमारे, तो उनके यहाँ का रूम कैसा है और रहने का साधन कैसा है, व्यवस्था कैसा है, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए व्यवस्था यहाँ का बहुत अच्छा है, नागेश्वर पंडा है वही हम लोग उन्हीं के यहाँ आते हैं। और ये दूसरी मंजिल है और इसी पे जो भी दर्शनीय लोग आते हैं तो अपना रहते हैं। देखिए मिट्टी का चूल्हा है, जिनके पास लकड़ी वगैरह का व्यवस्था रहता है तो वो लोग अपना चूल्हा पे ही बना लेते हैं, पर मैं तो अपना छोटा वाला गैस लेके आई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नहीं लकड़ी वगैरह पे बनाई और थोड़ा झंझट लगता है। और यहाँ पे देखिए नीचे पंडा के परिवार हैं, मैं ऊपर से ही थोड़ा सा क्लिप ले रही हूँ और सामने सासू माँ बैठी हैं और उनके बाकी परिवार लोग हैं। और यहाँ देखिए सृष्टि अपना प्रसाद खा रही है बैठ के, और अभी मुझे पूरी सब्जी वगैरह बनाना है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ अपना, थोड़ा सा जो इनका घर का क्लिप है वो आप लोगों से शेयर करने के बाद तो मैं चलूँगी पूरी सब्जी बनाने, क्योंकि अभी खाना नहीं, जो बच्चों को प्रसाद ही थोड़ा सा हमने बनाया था चढ़ाने के लिए ही, वही बच्चे खा रहे हैं और उसके बाद सब लोग अभी सुबह से बिना खाए पिए चले हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा अपना फ़ोटो का क्लिप लगाई हूँ फ्रेंड्स, और देखिए प्रसाद मेरा जो बनना था पूरी सब्जी बन गया और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ आराम से और साड़ी का पल्ला अपना सही कर रही हूँ। हालत तो ख़राब हो गया था फ्रेंड्स क्योंकि अकेले ही सब करना था, और यहाँ पे हस्बैंड जी हैं अपना बैठे हैं और मेरा व्रत है फ्रेंड्स, मैं व्रत हूँ पर मुँह मुझे धुलना है, बैठी थी कब से बना रही थी तो वही मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। अब चलूँगी अपना मुँह धुलूँगी और फेस भी आप देख सकते हैं हालत ख़राब हो गया था।